हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 89, जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 16 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट है क्लास 1 के बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। वर्कशीट में आपको यहाँ पर लिखना है अपना नेम। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको लिखना है अपना सेक्शन। अगर आपका सेक्शन ए है तो आप ए लिखोगे और अगर आपका सेक्शन बी है तो आप बी लिखोगे। और आपको यहाँ पर लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है इनसाइड आउटसाइड, यानी कि अंदर बाहर। तो यहाँ आपको चार चित्र दिए हुए हैं, आइए इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं। पहले चित्र में देखिए, यहाँ पर एक ऊँट है और एक आदमी है जो कि तंबू के अंदर बैठा हुआ है। तो वो जो ऊँट है वो आदमी से बोल रहा है कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? आदमी ने बोला, ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। दूसरे चित्र में ऊँट कह रहा है, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो आदमी ने बोला, अरे नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। तीसरे चित्र में ऊँट कह रहा है, इसीलिए मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर जाओ। और देखो, ऊँट खुद तंबू के अंदर बैठ गया और उसने आदमी को बाहर निकाल दिया। चौथे चित्र में ऊँट कह रहा है कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगे अंदर कर लूँ? और आदमी उससे बोल रहा है, ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लो। तो बच्चों, इन चार चित्रों में जो आपको कहानी दी हुई है वो आगे पीछे दी हुई है। आपको क्या करना है, दी गई कहानी के अनुसार ऊपर दी गई तस्वीरों को सही क्रम में लिखना है। आपको इस कहानी को सही क्रम में लगाना है, ठीक है? तो चलिए आइए हम इस कहानी को सही क्रम में लगाते हैं और ये देखते हैं कि पहले क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा और आखिरी में क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले आएगा ए वाला चित्र, जहाँ पर ऊँट उस आदमी से बोल रहा है कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? तो आदमी ने कहा, ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। और दूसरे नंबर पे आएगा डी वाला चित्र, जहाँ पर ऊँट ने आदमी से कहा कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगे अंदर कर लूँ? और आदमी ने कहा, ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लो। और तीसरे नंबर पे आएगा बी चित्र, जहाँ पर ऊँट ने कहा कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? फिर आदमी ने कहा, अरे नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। और चौथे नंबर पर आएगा सी वाला चित्र, जहाँ पर ऊँट ने कहा, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर चले जाओ। तो देखा आपने कि ऊँट ने क्या किया। पहले चित्र में जो ऊँट है वो तंबू के बाहर था, यानी कि आउटसाइड, और आदमी तंबू के अंदर था, यानी कि इनसाइड। लेकिन धीरे धीरे करके ऊँट ने आदमी को तंबू के बाहर निकाल दिया, यानी आउटसाइड कर दिया, और खुद तंबू के अंदर जाकर बैठ गया, यानी कि इनसाइड। तो बच्चों, हमारी जो आज की वर्कशीट है ना, उसका टॉपिक भी यही है, आउटसाइड इनसाइड। आइए हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, जो ये वाली बर्ड है ये इनसाइड है, यानी ये घर के अंदर है, और जो ये वाली बर्ड है ये आउटसाइड है, यानी घर के बाहर है। और इस पिक्चर में ये लड़की पहले घर के अंदर थी, यानी कि इनसाइड, और उसके बाद ये घर के बाहर आ गई, यानी कि आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 2, तस्वीर ए में कौन तंबू के बाहर यानी कि आउटसाइड है? तो तस्वीर ए में देखकर बताइए कि कौन तंबू के बाहर बैठा हुआ है। बिल्कुल सही, तंबू के बाहर कौन है? तंबू के बाहर है ऊँट। क्वेश्चन नंबर 3, तस्वीर डी में ऊँट के शरीर का कौन सा हिस्सा तंबू के अंदर यानी कि इनसाइड है? तो बच्चों, ये है तस्वीर डी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊँट के शरीर का कौन सा हिस्सा तंबू के अंदर है। तो इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे बनी हुई चीज़ों में जो चीज़ें आपके स्कूल बैग के अंदर यानी इनसाइड होती हैं, उनके नीचे आपको आई लिखना है, ठीक है? और जो चीज़ें बाहर यानी आउटसाइड होती हैं, उनके नीचे आपको लिखना है ओ। तो आइए बच्चों, पहला चित्र देखते हैं।
पहला चित्र तो झाड़ू का है, तो बताइए झाड़ू आपके स्कूल बैग के अंदर होता है या बाहर होता है? बिल्कुल सही, झाड़ू तो स्कूल बैग के बाहर ही होता है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ओ मतलब आउटसाइड। ऐसे ही आपको बाकी चीज़ों को देखना है और देखकर ये बताना है कि वो स्कूल बैग के अंदर होते हैं या स्कूल बैग के बाहर होते हैं। इस वर्कशीट में अभिभावकों के लिए भी एक सुझाव है, बच्चों को समझाएं कि यदि कोई हमारी सहायता करता है तो हमें उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें भी ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता करनी चाहिए। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो आप अपनी वर्कशीट को बहुत अच्छे से कीजिएगा।